हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाय करम जी के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्प्लेंडर प्लस दो मॉडल हमारे पास मौजूद है और इसको हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और भी टॉपिक हमने बना रखा है, इसी टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देख सकते हैं कि किस्त पर कैसे बाइक खरीदें सबसे कम कीमत में। ये वाला टॉपिक है, यानी कि इसमें हम आपको सबसे सस्ती बाइक कैसे खरीदें यही टॉपिक हम पर बात करेंगे और फाइनेंस यानी कि किस्त पर, लोन पर, ईएमआई पर बाइक कैसे खरीदें ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आप कितना डाउन पेमेंट देंगे तो कितना आपका महीने किस्त आएगा और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कागज़ क्या लगेंगे ये भी बताएंगे और आपका किस्त जब मिस होगा तो आप कितना चार्ज लगेगा ये भी हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं श्री राम सिटी फाइनेंस से, इस कंपनी से, और हम डाउन पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कितना रखा गया, 12,370 रुपये कम से कम डाउन पेमेंट, और भी आगे हम आपको बताएंगे। तो पहले हम इसी पर बात करते हैं, तो 3,209 रुपये की आपकी 30 महीने की किस्त आएगी, 30 महीना आपको 3,200 रुपये समझ लीजिए देना है, 3,818 रुपये आपको 24 महीना देना है, 2 साल आपको 3,818 रुपये देना है। तो टोटल हम जानकारी इस वीडियो में देंगे तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। 18 महीना 3,832 रुपये, 1.5 साल में आपको 3,832 रुपये देना है, यानी कि आपको जो है कम से कम डाउन पेमेंट पर यहाँ बात की जा रही है कि आपका सबसे कम पैसा लगे, आप सबसे सस्ता अगर गरीब इंसान है, नॉर्मल इंसान है तो आप सबसे कम प्राइस में खरीद सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंस पर बाइक लेते हैं 2 साल में लगभग 12,000 से 15,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा जाएगा और अगर जो है एक से डेढ़ साल करवाते हैं तो 8,000 से 6,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा जाएगा। दोस्तों आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं तो अगर ऑफ़र रहता है तो अभी ऑफ़र आया था दोस्तों, लेकिन अभी जो है चल रहा है 31 मार्च तक है वो ऑफ़र, लेकिन अभी जो है आधा डाउन पेमेंट अगर पूरा दे देते हैं गाड़ी का तो आधा जो किस्त बचती है आपका पैसा तो उस पर आपका 0 बैलेंस यानी कि 0% पर फाइनेंस होगा। तो चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं, 13,000 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद अगर आप दे देते हैं 13,000 रुपये डाउन पेमेंट तो आपकी ईएमआई क्या आती है दोस्तों, तो 13,000 डाउन पेमेंट देने के बाद 2,765 रुपये आपका 36 महीना आएगा, यानी कि 3 साल किस्त में आपको 2,765 रुपये देना है। यहाँ पर हम टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं दोस्तों स्प्लेंडर प्लस की, 3,710 रुपये आपका 24 महीना आएगा, यानी कि 2 साल की किस्त में आपको 3,710 रुपये देना है। उसके बाद यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं कि 18 महीना की बात, तो 18 महीना पर अगर आप देना चाहें तो 4,750 रुपये यानी 4,750 रुपये आपको 18 महीना देना है 1.5 साल, इसमें आपको लगभग 8,000 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जाता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ईएमआई बढ़वाते हैं जैसे 24 महीना या 36 महीना करवाते हैं तो आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें बैलेंस आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता है, तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्याज लगता है, लगभग जितना आपका कम डाउन पेमेंट होता है उतना ही आपका ब्याज ज़्यादा लगता है। अगर आधा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देते हैं तो कहीं कहीं पर 6.99% का भी आपको मिल जाता है, यानी सबसे कम आपका ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर जैसे पहले आप बाइक पर, बाइक अगर फाइनेंस पर खरीदते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे सवाल ज़रूर कर लें कि आपको जो है कितना डाउन कितना ब्याज मेरा लगाया जा रहा है, क्योंकि ब्याज की बात ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप जानकार हैं और उससे आपको फाइनेंस वाले कम लूटेंगे दोस्तों, इसलिए लूटेंगे नहीं। एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो भी बनाऊँगा कि फाइनेंसर कैसे लूटते हैं, हम आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आप फाइनेंस को जो है अब लेंगे जब बाइक तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, कितना डाउन पेमेंट आएगा, तो कितनी ईएमआई आपकी आएगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको देना है और 4 फ़ोटो देना है और पैन कार्ड देना है, बैंक की पासबुक आपको देनी है, तो 4 ही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है दोस्तों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगना है और 10 से 20 मिनट के अंदर आपकी बाइक हो जाती है फाइनेंस। आप 12,000 में ही समझ लीजिए गाड़ी को खरीद सकते हैं, कोई भी मॉडल आप परचेस कर सकते हैं बिंदास एकदम बिना कोई टेंशन के। तो स्प्लेंडर की जो है ऑन रोड की अगर हम प्राइस बात करें तो 82,000 रुपये की है, 81,700 मिलियन, और अगर दोस्तों कोई भी किस्त अगर आप मिस करते हैं तो 500 रुपये का आपका चार्ज लगता है, इसलिए टाइम टू टाइम आप हर किस्त को देते रहें। स्प्लेंडर प्लस दोस्तों सबसे सस्ती आपको 79,800 रुपये की, यानी 80,000 रुपये आपको शुरुआत मिलेगी और सबसे टॉप मॉडल आपको 82,000 रुपये में है। सारे मॉडल्स की कीमत यही है 79,800 से लेकर 81,700। तो स्प्लेंडर फिलहाल ठीक ठाक बाइक है दोस्तों प्राइस के हिसाब से, और अगर ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।